जय हिंद दोस्तों। कल एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 22 तक बताए थे, आज उसके आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। अच्छा, मतलब अल्फा और बीटा इसका रूट है, यानी पहले इसको हल करना होगा। देन एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये आपको बतलाना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं क्या, जो पहले ही हल तो कर लें, इसको हल करना है तो जरा एलसीएम ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में एक्स इज इक्वल टू 1, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उधर जाके एक्स, इसको इधर भेजो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका दो मूल होता है ना, एगो अल्फा होता है और एगो बीटा, तो अल्फा बीटा एक के साथ मान लो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 2a। निकालते अल्फा बीटा एक साथ, माइनस बी माने कितना है, माइनस और बी मतलब यहाँ माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 4, ए मतलब 1, सी मतलब भी 1, अब बटा में 2a, 2a मतलब 1, तो अल्फा बीटा दोनों 1 प्लस माइनस रूट अंडर, एक में से 4 घटेगा तो माइनस 3 बटा में 2। आप टेंथ क्लास में रहोगे ना तो डायरेक्ट बोला जाता है इसका वास्तविक हल नहीं, इंटर में ही बात मत बोलना, इंटर में वास्तविक हल हो चाहे ना हो आपको लिखना पड़ेगा रूट 3 है और बटा में 2। अब इसी को दो बार तोड़ देते हैं, अल्फा इक्वल टू मान के चलते हैं 1 है, 1 और प्लस रूट अंडर 3 आई बटा दो। ठीक है, और दूसरा जो चलेगा वो बीटा मान के चलो, बीटा इक्वल टू मान लीजिए कि माइनस वाला 1 माइनस रूट 3 आई बटा में 2। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा स्पेशल यहाँ होगा जो याद रखना होगा या ध्यान रखना होगा। अगर आपको ओमेगा के बारे में मालूम हो तो होता है माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बटा 2, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर जानते हैं तो होता है माइनस 1 माइनस में रूट 3 आई या बटा में 2, इसी के जैसा ही लग रहा। नहीं नहीं अभी अधूरा है सर, लगने रहा, हम बनाएंगे ज़बरदस्ती इसको। यहाँ पर देखो जो फंक्शन है ना, वो जो स्टेटमेंट है, वो जो फंक्शन है, फंक्शन आपका ये चल रहा है, ये वाला है फंक्शन, मतलब
मतलब ये है कि एक्स के जगह पे अल्फा रखना है, अल्फा रखना है, एक बार बीटा रखना है, एक बार बीटा रखना है। तो अल्फा वन अगर थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़े ध्यान से देखना, ये जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है इसके आगे माइनस में, आप माइनस इसमें गुना कर दो ना, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये जो प्लस है ये भी बन जाएगा माइनस। तो माइनस आप अपने मन से गुना कर दिए, मतलब ये हो गया माइनस अल्फा। ये हो गया माइनस अल्फा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं कि -1 और माइनस में √3 आई, ऊपर माइनस गुना कर दिए और नीचे 2, सर्दी से परेशान, इतना सर्दी है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि माइनस माइनस गुना करते हैं तो नीचे भी माइनस गुना कर देंगे, यहाँ पे ऐसे उससे क्या होगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि अगर ऐसे आपको माइनस गुना नहीं भी करना है, मान लो नहीं भी गुना करना है माइनस, इससे नीचे वाला को मिटा मिट यार, तो अगर ऐसे नहीं गुना करना है, आप कहें ना कि ऊपर गुना कर दिए और अलग से -1 बाहर रह देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू आपको नजर आएगा कि माइनस में, और ये पूरा वैल्यू आप लोग जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर होता है। जैसे यहीं पे बीटा इक्वल टू, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो हम माइनस गुना कर देते, हो गया -1, आई हो गया प्लस में √3 आए बटा 2। अब माइनस गुना करती है तो बाहर मैंने -1, इधर भी गुना कर दो, जैसे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो बीटा इक्वल टू आपको नजर आएगा कि ई जो देख रहे हो ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, और वो माइनस में, तो माइनस ओमेगा, यानी अल्फा जो निकला वो माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और बीटा जो निकला वो माइनस ओमेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एफ अल्फा निकालिए और एफ बीटा निकालिए, फंक्शन कहाँ है जरा देखिए, फंक्शन ये वाला चलेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे ही चलेगा अल्फा, माने माइनस ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, अब माइनस तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस, तो माइनस ही लिखाएगा, जाहिर से बात है यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखाएगा, लिख दिए माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स माने क्या लिखना है, माइनस में ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब +1 चेक करते हैं कि क्या सच में 0 आता है या नहीं आता, वो एक बार चेक करेंगे। देखो ये ओमेगा टू द पावर 4 हो गया, प्लस में ओमेगा स्क्वायर, अब +1, क्या सही में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा लिखा जाता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, लेकिन आंसर चेक करोगे तो फॉल्स है, और कुछ टीचर उसको ज़बरदस्ती बनाकर कहेंगे कि हाँ फॉल्स है, पता नहीं क्या दिमाग में, उल्टा फिर बता भी देंगे आपको कि फॉल्स है, जबकि सच्चाई है कि फॉल्स नहीं ट्रू है। ऐसा होगा, एफ अल्फा बराबर 0 होगा, एफ बीटा वो भी चेक करते हैं, कह तो रहे कि कुछ टीचर एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से ताल ठोक के एकदम 100% गारंटी लेके कहेंगे कि गलत है, और किसी तरह से उल्टा फेर करके प्रूफ भी कर देंगे गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गलत है वो, फॉल्स नहीं ट्रू है, हो सकता है हमसे भी कभी गलती हो जाए, लेकिन ईमानदारी से बनाओगे तो यही आएगा।
एफ बीटा चेक करो, मतलब एक्स की जगह आप क्या लिखना है, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा के स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स, माने अब क्या बैठाना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा, अब प्लस में वन, देखते हैं ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ऐसे भी प्लस हो जाता है, माइनस बचेगा नहीं, प्लस ओमेगा इज इक्वल टू वन, ये भी हो गया जीरो, तो ये कह रहा था कि जीरो होगा तो ट्रू है एकदम होगा, लेकिन आंसर में साफ साफ लिख ले फॉल्स है, और 90% टीचर भी इसको फॉल्स साबित कर देंगे कि फॉल्स ही है। मेरे ऐसा अकल पागल आदमी इसको ट्रू साबित कर देता है, और ट्रू ही है ये, फॉल्स नहीं है, इसको आप फॉल्स नहीं कह सकते। अल्फा और बीटा उसका रूट था, उसका रूट निकाले, मतलब रूट मतलब हल निकाले, और जब हम इसका हल निकाले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस में एक्स हुआ, और हल करने पे इतना आया जो देख रहे हैं, माइनस बी, माने माइनस माइनस प्लस वन, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर और माइनस में फोर ए सी, यही आएगा, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, इसमें तो सिर्फ पोलर फॉर्म लिखना है, फॉर्मूला 25 में है, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज आर बराबर, इसमें भी सिर्फ मॉड ऑफ लिखना है, फॉर्मूला 26 नंबर में है, द एम्पलीट्यूड थीटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज, इसके बाद 27 है, द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस आई इज, ये निकालना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स को, ये बनाना पड़ेगा। देखो ये सब चीज़ सिंपल है, पोलर फॉर्म क्या होता है तो आप लोग जानते हैं, मॉड ऑफ जेड होता है, अब अंदर होता है एक्स गुने कॉस थीटा प्लस वाई गुने आई साइन थीटा, बस यही लिखना है पोलर फॉर्म में, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना मॉडुलस होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत करेंगे तो प्लस माइनस, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का इनफाइनाइट वैल्यू होता है, करा द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज इनफाइनाइट वैल्यू, जो ऑप्शन है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू अगर पूछेगा तो इनफाइनाइट, तब फाइनाइट होता है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म मतलब कि पोलर फॉर्म कह रहा है, इसको पोलर फॉर्म में बदलो। तो पहली बात है कि आप थीटा निकालिएगा इसको, ठीक है, टेन थीटा ऐसे करके, मॉड ऑफ वाई बटा एक्स, वाई भी एक, वाई भी एक, एक्स भी एक,
तो थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, तो कितना मेहनत करता है। अब मॉड ऑफ जेड साफ झलक रहा है कि रूट अंडर टू होगा, तो मॉड ऑफ जेड लिखना होता मतलब रूट टू लिखो इंटू एक्स गुने कॉस थीटा यानी पाई बाई फोर प्लस आई गुने वाई साइन थीटा यानी साइन पाई बाई फोर, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना था लेकिन हम जल्दी में लिखते हैं। जैसे 28 है, 28 में बनाना पड़ेगा, 29 बनाना होगा, 30 बनाना होगा, ईसा सब बनाने वाला हिसाब है 28 से लेके 33 तक। तो पांच हिसाब अभी बता दिए हैं, बाकी पांच को कल बता देंगे, बताने के तो आज ही बता दें लेकिन एक बार टाइम तो है अभी, चलो देख लेते हैं जितना देर चलता है। या रहने दीजिए, ठीक है कल इसको ख़त्म कर देंगे पांच को क्वेश्चन, कल ऐसे बृहस्पतिवार है और शुक्रवार से स्टार्ट कर देंगे हम त्रिकोणमिति, बीच में इसको क्यों छोड़े, शुक्रवार को स्टार्ट कर देंगे। तो आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल के क्लास में इसी टाइम पर इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय।